तो स्वागत है तुम्हारे इस वीडियो में गाइस। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की। सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को वापस लेकर आ रही है, जिनका नाम है ओगबचे। सो आइए गाइस ओगबचे की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। आपको बताते हैं, ओगबचे सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में आए थे, फिर उसके बाद केरला ब्लास्टर में चले गए, फिर मुंबई सिटी एफसी के लिए खेले, फिर हैदराबाद एफसी के लिए खेले। भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल फॉरेन प्लेयर रहे हैं ओगबचे। सो गाइस ये फिर से रिटर्न कर रहे हैं अपने होम यानी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में। सो गाइस ये न्यूज़ एकदम रिलायबल न्यूज़ है, एक तरीके से ट्रू न्यूज़ है। सो आप इसको फेक न्यूज़ में मत लीजिएगा। ओगबचे वापस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कंसर्न में रहेगी, क्या 38 एज उनकी हो चुकी है, क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को उनको वापस लाना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा अगर बंदा फॉर्म में है तो आप लेकर आओ, तोड़ डालेगा भाई साहब। जब भी उसे चांस मिलता है वो गोल मारेगा, चाहे वो केरला हो या नॉर्थ ईस्ट हो या फिर मुंबई सिटी एफसी हो या हैदराबाद एफसी हो, बंदा फॉर्म में है तो आप ज़रूर लेकर आओ, गोल मारेगा। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का। मैंने आपको बताया था कि यंग प्लेयर को साइन करने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो एक और साइनिंग निकल कर आई है रिडीम तेलांग के बाद। यहाँ पर प्रोमाइसिंग लेफ्ट बैक बुआन नामटे जॉइंस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। बुआन नामटे आपको न्यूज़ मिल गई होगी, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमाइसिंग लेफ्ट बैक है भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट बैक है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी या इंडियन प्लेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन मैंने आपको एक बोनस न्यूज़ दे दी यहाँ पर ओगबचे की, तो ओगबचे वापस आ रहे हैं। सो गाइस वही डायलॉग रहेगा, बूट जला के फायर यार। जितने भी लोग यहाँ पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और थैंक यू गाइस 2K सब्सक्राइबर्स के लिए।